हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट पैराग्राफ 10.4 व्हाट डू वी ब्रेथ आउट क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस। स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में हम सीखेंगे कि हम जो एक्सहेल करते हैं यानी ब्रेथ आउट करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हम एयर को आउटसाइड थ्रो जो कर रहे हैं उस एयर में क्या चीज़ कंटेन है, जिसे हम एक्टिविटी से 10.6 से समझने की कोशिश करते हैं। टेक ए सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और ए ग्लास और प्लास्टिक बोतल, मेक ए होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन द बोतल, पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, इंसर्ट ए प्लास्टिक स्ट्रा थ्रो the hole in the lid in such a way that it dips in lime water. Now blow gently through the straw a few times. Figure 10.8. कि स्टूडेंट फिगर 10.8 में देख के समझते हैं। फिगर 10.8 में जो मॉडल बनाया गया है इसे एक्टिविटी को करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब ली गई। टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर यानी चूने का जो पानी होता है, जिस वाटर में चूना मिलाया गया है उसे लाइम वाटर कहा जाता है। एक प्लास्टिक स्ट्रा उसमें डाला गया, जिसे जूस पीते हैं इसे प्लास्टिक स्ट्रा कहा गया है। प्लास्टिक स्ट्रा को नीचे लाइम वाटर तक डाल दिया, ऊपर से जो ढक्कन है वो अच्छे से टाइटली बंद कर दिया गया है। और जब हम इसमें एयर ब्लो करते हैं, एयर ब्लो करते हैं लाइम वाटर के अंदर, तब देखना है कि लाइम वाटर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। कि एक्सहेल कर रहे हैं हम तो इफेक्ट एयर ऑन लाइम वाटर, आप देख सकते हैं लाइम वाटर जो पहले क्लियर था वो किस कलर का हो गया है, मिल्की कलर का बन जाता है। इज़ देयर ए चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर। स्टूडेंट, लाइम वाटर में क्या कोई चेंज आया? यस, किस टाइप का हो गया? मिल्की यानी मिल्क जैसा वाइट हो जाता है। कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्नड इन चैप्टर 6? कि चैप्टर 6 में स्टूडेंट हमने सीखा इस बारे में कि लाइम वाटर में जब CO2 गैस प्लस करेंगे तब उसका कलर मिल्की हो जाता है, क्योंकि CO2 के साथ लाइम वाटर रिएक्ट करता है और उसका कलर चेंज कर देता है, वाइट कलर बना देता है मिल्की। सो स्टूडेंट, इससे हम समझ गए होंगे, यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। व्हाट डू वी एक्सहेल, कि हम क्या चीज़ एक्सहेल कर रहे हैं। वैसे तो जो इनहेल करते हैं एयर और एक्सहेल करते हैं वो कई गैसेज का मिक्सचर है, लेकिन जो एक्सहेल कर रहे हैं हम एयर उसमें CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिसे हम एक्टिविटी से समझ पाए होंगे। डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और ए मिक्सचर ऑफ गैसेज अलोंग विद इट। क्या केवल कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं या वो गैसेज का मिक्सचर है? यस, वो गैसेज का मिक्सचर होता है। यू मस्ट हैव आल्सो ऑब्जर्व दैट इफ यू एक्सहेल ऑन ए मिरर ए फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर्स ऑन इट्स ए सरफेस। कि स्टूडेंट्स, अगर हम किसी मिरर के ऊपर एक्सहेल करें तो आप देखेंगे कि उस पर एक धुंधली सी परत जम जाती है मिरर पर, तो जो वाटर ड्रॉप्स हमें दिखाई दे रहे हैं, फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स कम, ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? जो हमने एक्सहेल की एयर उसी में से वो निकले हैं। सो स्टूडेंट्स, एक्सहेल एयर में गैसेज का मिक्सचर है, उसमें वाटर वेपोर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, उसमें ऑक्सीजन भी होती है, क्योंकि सभी ऑक्सीजन जो इनहेल की है हमने एयर वो सभी बॉडी यूज नहीं कर पाती, उसका कुछ पार्ट यूज कर पाती है, जिसे हम ब्लू बॉक्स में देख सकते हैं। स्टूडेंट, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, कि जो इनहेल्ड एयर, जो एयर हम अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, उसमें 21% ऑक्सीजन होती है
एंड 0.04%, जो कि 1% से भी बहुत ही कम है स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और भी कुछ गैसेज का मिक्सचर है एयर। कंप्लीट एयर हमारे लंग्स में जब जा रही है तो लंग्स उसे पूरी बॉडी को सप्लाई करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन चलते हैं स्टूडेंट, उनमें ऑक्सीजन का कुछ पार्ट यूज हो जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो वापस से एक्सहेल्ड एयर द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसमें 16.4% ऑक्सीजन है। तो इनहेल की थी हमने 21% ऑक्सीजन और एक्सहेल की 16.4% ऑक्सीजन है उसमें भी, तो लगभग 5% ऑक्सीजन हमारी बॉडी यूज कर लेती है। और जो बॉडी के फंक्शन थे उनमें कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उसमें 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्ड एयर में पाई जाती है, जो कि स्टार्टिंग में देख सकते हैं इनहेल की थी हमने जो एयर उसमें 0.04% यानी 1% से भी कम, और एक्सहेल्ड एयर में 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सो स्टूडेंट्स, लंग्स से जो बाहर निकलती है एक्सहेल एयर द्वारा। तो स्टूडेंट, इससे आप सीख गए होंगे कि लंग्स से एयर को जो इनहेल करते हैं उसमें से ऑक्सीजन यूज कर ली गई और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से इकट्ठी करके वापस एक्सहेल द्वारा बाहर भेज देते हैं, जिसे हम एक्टिविटी से सीख पाए हैं कि एक्सहेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसीलिए लाइम वाटर मिल्की कलर का दिखाई दे रहा है। बूजो के माइंड में क्वेश्चन है स्टूडेंट, बूजो वांट टू नो हाउ मच एयर ए पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स, कि कोई भी एक पर्सन, कोई भी व्यक्ति है वो अपने लंग्स में कितनी एयर, हाउ मच एयर होल्ड कर सकता है, यानी कि रख सकता है। जो हम इनहेल कर रहे हैं स्टूडेंट, वो हमारे लंग्स में होल्ड होती है और एक्सहेल द्वारा वो बाहर आती है। सो स्टूडेंट्स, बूजो ये जानना चाह रहा है। इसके बाद स्टूडेंट, ब्लू बॉक्स में हम एक इम्पोर्टेंट बात आज सीखेंगे कि ब्रेथ फॉर बेटर लाइफ, कि हमें अगर अपनी लाइफ को बेटर बनाना है तो हमें ब्रेथिंग जो सिस्टम है उसको हेल्दी बनाना होगा, कि रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रेथिंग एक्सरसाइज जिसे प्राणायाम कहते हैं कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए लंग्स टू टेक इन मोर एयर, कि अगर हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर वो होल्ड कर सकें, तो हमें प्राणायाम पर ध्यान देना होगा, जिसे ब्रेथिंग एक्सरसाइज कहा जाता है, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, इस तरह की जो प्राणायाम है हमें ज़रूर करने चाहिए स्टूडेंट। इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और वो एयर को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर पाएंगे। दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द बॉडी सेल्स रिलीज रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी, यदि हमारे लंग्स ज़्यादा एयर को होल्ड कर सकते हैं तो वो ऑक्सीजन को भी ज़्यादा होल्ड कर पाएंगे, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा दे पाएंगे, जिससे हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर पाएगी। इसलिए स्टूडेंट, कोई पर्सन कितना, किसी पर्सन के लंग्स कितने एयर होल्ड कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि उस पर्सन के जो लंग्स हैं वो कितने हेल्दी हैं। अगर हम प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइजेज करते हैं सुबह, तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा एयर को होल्ड कर सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज आपको इतना ही रिवाइज करना है और नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे पैराग्राफ 10.5 ब्रेथिंग इन अदर एनिमल्स, कि हमने अपने ह्यूमेंस बींग्स के बारे में अभी तक सीखा है कि किस तरह से हमारा मैकेनिज्म है ब्रेथिंग का। नेक्स्ट टाइम हम अदर एनिमल्स के बारे में सीखेंगे कि वो ब्रेथिंग सिस्टम उनका क्या है, किस तरह से वो ब्रेथिंग करते हैं। पैराग्राफ 10.5 को आपने ज़रूर रीड करना है ताकि नेक्स्ट टाइम बेटर समझ में आए, अच्छा समझ में आए, और आज जो हमने स्टडी किया उसे ज़रूर रिवाइज करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।